अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, ठीक है, जब आप किसी नंबर में 4 को ऐड करें द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल आएगा, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। उस नंबर के 3 गुने में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस चीज के इक्वल जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर आपके पास क्या होगा वो चीज आपने यहां पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इसी तरीके से सवाल को स्टार्ट करेंगे। सपोज अ नंबर इज एक्स, ठीक है, आपने जो नंबर यहां पे सपोज किया है वो एक्स है, जिस नंबर के बारे में सवाल में बात की जा रही है, ठीक है, वो नंबर आपने जो है वो यहाँ पे एक्स सपोज कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन अ नंबर, अब देखें सवाल की तरफ आ जाएं, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, जब आप किसी नंबर में 4 को ऐड करें तो उससे क्या चीज होगी, आप इस कंडीशन को यहाँ पे यूज करेंगे या आप इसको जो है वो न्यूमेरिकली लिख के देखेंगे कि इससे जो है वो क्या चीज बनेगी, ठीक है। यहां पे जो है वो वर्डिंग में या स्टेटमेंट फॉर्म में है तो आप इसको न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 इट बिकम्स, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहली चीज कि जिस नंबर के बारे में बात की जा रही है आपने उस नंबर को यहां पे एक्स सपोज कर लिया, उसके बाद सवाल की तरफ आएंगे, जो कंडीशंस वो यहां पे दे रहे हैं उनकी मदद से जो है वो आपने सवाल को इस तरीके से न्यूमेरिकली लिखना है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 इट बिकम्स एक्स प्लस 4, ठीक है, यानी कि जब आप किसी नंबर में 4 को ऐड करें तो वो कैसे बन जाएगा या कैसे दिखेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, यानी कि आपके पास इसको इसके अंदर ऐड करने पर रिजल्ट जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, उस नंबर के 3 गुने में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस चीज के इक्वल होगा। अब देखें सबसे पहली चीज यहां पे 3 टाइम्स ऑफ इट, नंबर का 3 गुना क्या होगा वो चीज आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर मींस, यानी कि ये जो यहां पे स्टेटमेंट दी हुई है इक्वल टू दिस, उससे पहले यहां पे 3 टाइम्स का वर्ड यूज हो रहा है तो वो चीज आप इस तरीके से यहां पे मेंशन कर देंगे कि 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर मींस 3x, ठीक है। अब आप जो है वो इस सिचुएशन को यहां पे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, फ्रॉम के बाद वाली चीज आप पहले लिखेंगे, इट मीन्स कि यहां पर जो है वो 3x में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो यहां पर इस चीज को लिखना है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो सवाल आपको दिया जा रहा है उसके मुताबिक आपके पास जो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, किसी नंबर में आपने जब 4 को ऐड किया तो रिजल्ट इज इक्वल टू, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, उस नंबर के 3 गुने में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस चीज के इक्वल हो जाएगा। वॉट इज द नंबर, इट मीन्स यहां पर आपने जो है वो x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है या x को फाइंड करना है। अब देखें 3x यहां पर पॉजिटिव है और x इस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पॉजिटिव है, बट कोफिशियंट वाइज अगर हम बात करें तो ये 3 बड़ा है, तो इसलिए हम इसको जो है वो वहां पे राइट हैंड साइड पे मूव करवा देंगे और 4 यहां पर एज इट इज रहेगा और ये -10 लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है वेरिएबल्स आपने एक साइड पे कर लिए और कांस्टेंट नंबर जो है वो आपने एक साइड पे कर लिए, ठीक है, 10 एंड 4 कितने हो जाएंगे 14,
थ्री में से आप वन माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू एक्स, और आप इस चीज को इस तरीके से लिख लें, ठीक है, टू एक्स इज इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू आप यहां पे निकाल लेंगे किस तरीके से, 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन जर 2 एंड 2 सेवन जर 14 एंड एक्स इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताई है ये बात कि अगर आप कोई वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप उसको जो है वो इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। सवाल जो आपने यहां पे इक्वेशन फॉर्म की है वो इक्वेशन आप यहां पे लिख देंगे वेरिफिकेशन के लिए। एक्स की वैल्यू जो है वो आप इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 7 एंड 4 आपके पास हो जाएंगे 11, 3 7 जो 21 माइनस 10। राइट हैंड साइड वाली चीजें आप राइट हैंड साइड पे ही सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, किसी वैल्यू को जो है वो आप इधर से उधर नहीं कर सकते। ठीक है, 21 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे आपका रिजल्ट जो है वो 11 आ रहा है, इट मींस के जो वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो इक्वेशन आपने फॉर्म की थी वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।